हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 12 जनवरी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और भार्गव क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहीं पर आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 12 जनवरी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में क्या क्या है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने जो बेल का आइकन आता है उसको जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के जसपुर में कितने बच्चे कुपोषण का शिकार है। ये डाटा जो है वो दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि छत्तीसगढ़ के जसपुर में कितने बच्चे कुपोषण का शिकार है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 17,000 बच्चे जो है वो कुपोषण के शिकार है। देखिए छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में 17,000 से अधिक कुपोषित बच्चे हैं। यह चौंकाने वाला आंकड़ा जो है जिले के प्रवास पर आए प्रभारी सचिव के सामने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने रखा है, इसीलिए डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विभाग के मुताबिक यह आंकड़ा विगत 4 माह के दौरान 1464 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के बाद में की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जसपुर जिले में कितने हैं, 17,000 से अधिक जो है वो कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। दूसरा प्रश्न जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के देश में 115 आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला टॉप में आया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या पीडीएफ जब भी आप डाउनलोड करेंगे इसका तो आप उसमें इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा नारायणपुर। कौन सा जगह होगा, नारायणपुर। देखिए यहां पर मैं आपको ये पिक के माध्यम से दिखाता हूँ, ये नीति आयोग ने जारी किया है। ठीक है, रैंकिंग देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो रैंकिंग में देखिए कौन है, पहला नारायणपुर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर राजनांदगांव भी है और पांचवें नंबर पर छत्तीसगढ़ का सुकमा भी है। तो आपको ये तीनों के तीनों याद रखना है, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी बता देता हूँ आपको कि देखिए छत्तीसगढ़ का धुर नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला देश के 115 आकांक्षी जिलों में टॉप रहा है। नीति आयोग ने नवंबर 2019 के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग जारी की है, इसमें वित्तीय समावेश और कौशल विकास के क्षेत्र में नारायणपुर प्रथम स्थान पर रहा है। देश के टॉप 5 जिलों में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव तीसरे और सुकमा पांचवें स्थान पर रहा है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल जो है वो निकाल कर अच्छे से थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कहाँ फूल प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पर फूल प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है, इसका सही आंसर है रायपुर में। देखिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजधानी के गांधी उद्यान में 3 दिवसीय फूल प्रदर्शनी शनिवार से शुरू हो गई है। रंग बिरंगे फूलों से उद्यान जो है वो गुलजार हो गया है। प्रदर्शनी में लगभग 6500 गमलों में 50 से अधिक वैरायटी के फूल सजे हैं। प्रकृति की ओर सोसाइटी, उद्यानिकी विभाग, कृषि विश्वविद्यालय और नगर निगम के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि उद्यानिकी विभाग के संचालक डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने किया है। तो आपको ये मुख्य अतिथि का नाम याद रखना है और इसके समापन में भी जो अतिथि आएंगे उनका नाम भी याद रखना है। जैसे कि 13 जनवरी तक चलने वाली प्रदर्शनी में रविवार के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जो होंगे राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी, तो ये याद रखना है आपको। और विशिष्ट अतिथि में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत होंगे और विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी होंगे, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स हॉस्टल कहाँ खोला जाएगा। तो देखिए ये प्रस्तावित है, ठीक है, कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये कुर्सी पार पारा भिलाई में जो है ये प्रस्तावित है। ठीक है, यहां पर खोले जाने का इसका प्रस्तावना है। ठीक, पांचवा प्रश्न है कि पूनम तिवारी विराट एवं दीपक तिवारी विराट को 18वां बहुमत सम्मान कौन देगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 18 बहुमत सम्मान जो है इनको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन देगा, तो ये देंगे भूपेश बघेल। कौन देंगे, भूपेश बघेल के द्वारा इनको 13 तारीख को जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रामचंद्र देशमुख बहुमत सम्मान समारोह में उपस्थित होकर पूनम तिवारी विराट एवं दीपक तिवारी विराट को 18वां बहुमत सम्मान प्रदान करेंगे। समारोह का आयोजन सोमवार 13 जनवरी को शाम 3:30 बजे कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई में किया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 110% जो है 18वां बहुमत सम्मान जो है आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो आपका एक नंबर जो है ना यहाँ से एकदम फिक्स है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसको दिया जाएगा, कौन देगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और कौन सा नंबर का है ये, तो 18वां नंबर का, 18वां रामचंद्र देशमुख बहुमत सम्मान किसको दिया जाएगा, पूनम तिवारी विराट और दीपक तिवारी विराट संयुक्त रूप से दोनों को दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा एक नंबर आपका यहां से एकदम पक्का है। छठवां प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 6वीं कड़ी का विषय क्या है। कल मैंने आपको 5वीं कड़ी का विषय बताया था कि आदिवासी विकास हमारी आस। पहला जो था वो क्या था, खेती एवं ग्रामीण विकास, ठीक है। दूसरा क्या था, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ठीक है। अब जो है छठवा आ गया है, तो छठवा जो है वो क्या है, उसका विषय क्या है, तो आपको बताना है उसका विषय क्या है। उसका विषय है सेवा का एक साल। क्या है, सेवा का एक साल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखा होगा, उसमें पूछा गया था, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के हर वर्ग की भावनाओं, सवालों और सुझावों से अवगत होने तथा अपने विचार साझा करने के लिए लोकवाणी रेडियो वार्ता प्रारंभ की है। लोकवाणी में इस बार का विषय जो है वो सेवा का एक साल रखा गया है। नगर निगम प्रशासन इसके लिए क्षेत्र के समस्त आम जनता निवासी जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहा है कि वे सुबह 10:30 बजे लुचकी तालाब, देखिए छठवा कहां पर हो रहा है वो भी आपको याद रखना है, लुचकी तालाब के सामने उपस्थित होकर लोकवाणी कार्यक्रम का लाभ उठाएं, ठीक है। ये भी याद रखना है कि छठवा कहां पर है, विषय क्या है, ये सारा कुछ जो है आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न है कि आरपी मंडल ने कोरबा में कौन से जगह को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। अभी ये यहाँ प्रवास में आए थे, तो कौन से जगह को जो है ये पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का इन्होंने सुझाव दिया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बांगो डैम। बांगो डैम को इन्होंने जो है पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का जो है सुझाव दिया है। देखिए राज्य के मुख्य सचिव, आपको मालूम है आरपी मंडल ने शनिवार को यहाँ हसदेव नदी पर बने बांगो डैम का मुआयना किया। आपको नदी भी याद रखना है कि हसदेव नदी है, बांगो डैम। वे यहाँ धान खरीदी के जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने क्रूज से बांगो बांध में सैर की और इसे राज्य का एक शानदार स्थल बताया। उन्होंने कहा कि इसे राज्य के बेहतरीन पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाई जाएगी, तो ये प्रस्ताव रखा है उन्होंने, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये 7 प्रश्न जो आज के करंट अफेयर के थे। देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि करंट अफेयर में बहुत सारे प्रश्न ले आइए, तो बहुत सारे प्रश्न डेली करंट अफेयर में नहीं आ पाते। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में इतने करंट अफेयर नहीं बन पाते हैं, डेली 7-8 प्रश्न ही बन पाते हैं, तो ये डेली करंट अफेयर के रूप में इसको आपको देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये साल भर के करंट अफेयर है तो इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, इसमें डेली 7 से 8 प्रश्न जो है लेटेस्ट जो होते हैं, जिस दिन की बात की जाती है उससे 1-2 दिन तक के ही ये क्वेश्चन होते हैं, तो ज्यादा प्रश्न नहीं बन पाते छत्तीसगढ़ में, तो इतने ही प्रश्न जो है वो बन पाते हैं, तो आपको इतने ही देखने हैं, और इन्हीं में से कुछ ना कुछ प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है वो करंट अफेयर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपके लिए जो प्रश्न है वो है नीति आयोग के लोक स्वास्थ्य में छत्तीसगढ़ की रैंक क्या है। अब आपको बताना है नीति आयोग के लोक स्वास्थ्य में छत्तीसगढ़ की रैंक क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। देखिए आप लोग भी थोड़ा मोड़ा तो पढ़ते ही होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर इसका आंसर जो है वो देना है। वीडियो कैसा लगा वो लाइक कर बताइएगा, ठीक है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। बहुत सारे बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। कई बार मैंने बताया कि टेलीग्राम में जाकर आपको भार्गव क्लासेस सर्च करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है, वहीं पर आपको पीडीएफ जो है वो प्राप्त होगा। पीडीएफ आप मुझसे पर्सनल रूप से मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन करिए। वहां पर आपको वीडियोज भी मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पुराने जितने भी छत्तीसगढ़ के वीडियोज हैं वो सारे भी वहां पोस्ट होते रहते हैं, तो आपको लगातार उनको देखते रहना है, क्योंकि आपकी जो है उनसे ही जो होगी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो सारे वीडियो भी वहां पर पोस्ट होते हैं, तो आपको जाकर ज्वाइन कर लेना है, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।